चलो आप हाईवे पे चलाओ मम्मी, देख जाइए। अरे मम्मी चलाओ यार, हाईवे पे मैं नहीं चलाऊं। अरे मम्मी हाईवे पे चलाओ यार, कोई दिक्कत ना, मैं बैठा तो हूँ साइड में। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू द शर्मा फैमिली चैनल। ये हुई ना बात, ये मैं भी नहीं सोचता था, मैं कह रहा मैं कैसे बोलूंगा वेलकम टू द शर्मा फैमिली चैनल, क्या मतलब अटक ना जाऊं। मम्मी आना एक बार ही बोल दिया यार, व्लॉगर हो तो पक्के। अच्छा मैं सेकंड मैन ले चल, जल्दी चल, बात तो कुछ ज्यादा उम्र कर यार। यार तुम क्या चाहते हो है, तुम क्या चाहते हो? मनीष ने कही थी अगली बार की मम्मी थे मैं गाड़ी चलाना सिखाऊंगा, ठीक है? अब हाँ कही थी मनीष ने, तो मनीष से चलवाओ ना मुझसे। तो वो कहता क्यों है भाई, क्यों कहता है? मनीष ने कह दी कि मम्मी तब की बार गाड़ी चलवाई, अभी भी चलवाएंगे, ठीक है? मम्मी मम्मी ने 5-7 दिन हो लिए, मम्मी खुश हो रही है कि डेली कह रहे हैं कि यार वो गाड़ी कब चलवा रहे हो। अब वो भी रह रहे हैं, वो मैं भी रहूँगा, बड़ा खा पी के चलवाएंगे चलवाएंगे। लेकिन आज मम्मी ने मैं अकेला पकड़ लिया घर पे, अरे तुम कहते रहो चलवाओगे ना चलवाओ, मैं कहा आज ही चलवाई मम्मी, चलो मम्मी आप चलो आज, अभी भी चलवाई। मम्मी हम गाड़ी चलाने जा रहे हैं, ब्याह शादी में जा रहे हैं, तो फिर मम्मी अपना बढ़िया देखना ड्रेस व्रेस। ये मम्मी यार ऐसे कपड़े नहीं, मेरे भी मंगवा दो यार ऐसे कपड़े यार। तो पैर रखा सिंपल सा। हाँ हाँ तो सिंपल सा पैर रखा मैंने, देखो ना ये या तो मेरे पे ब्लैक शर्ट है या व्हाइट शर्ट है, एक ही शर्ट, दो ही शर्ट है बस। मेरे लिए कुछ अच्छा सा ऑर्डर करो, आपने बढ़िया बढ़िया ऐप डाउनलोड कर रखी है उनमें से मंगाओ यार मेरे लिए। चले चले, रेडी हो? बंद नहीं होनी चाहिए गाड़ी। बंद कर दी गाड़ी तो वही पहली मेरी भी रहेगी। हाँ। खाली रोड पे लेके चलेगा, ठीक है? हाँ, खाली रोड पे ले वो, और के मैंने ठुकवाणी गाड़ी है वो भी सारी की पहली सर्विस हुई ना, ठोक कर गाड़ी कर दो। वो तो ठीक है, ना ना चल रहे हैं, पर नू बताओ, पहले नू बताओ इन कैमरे के सामने, अगर 3 बार बंद कर दी तो वहीं की वहीं रद्द हो जाएगा ये टास्क। ना भाई ऐसे थोड़ी वहीं करे तो यार, 3 चांस दे रहा हूँ, 3 चांस, 3 चांस कई 5 दे दे, 5 दे, चलो 5, चलो गाइस 5 चांस दिए। अगर मम्मी ने 5 चांस में बंद कर दी क्लिच छोड़ते ही, तो समझ गए तो मैं कैंसिल करवा देता हूँ, ठीक है ना? पर लेकिन लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें एक प्रोटीन के बारे में बताना चाहूंगा। आपको पता है कि हमारी बॉडी के लिए प्रोटीन कितना जरूरी है, तो मैंने रिसेंटली वाव लाइफ साइंस का प्लांट बेस्ड प्रोटीन लेना शुरू किया है, जो आता है चॉकलेट फ्लेवर में। इस प्लांट बेस्ड प्रोटीन में है पी एंड ब्राउन राइस प्रोटीन। ये हेल्प करता है आपकी मसल्स को सपोर्ट करने में एंड आपके एपेटाइट को कंट्रोल करता है, और आपके डेली वर्कआउट के बाद हेल्प करता है मसल्स मास को बिल्ड करने में। इसमें है पेपेन एंड ब्रोमेलेन एंजाइम्स। पेपेन आपकी बॉडी में एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करता है एंड ब्रोमेलेन हेल्प करता है बेटर डाइजेशन में। और इसमें ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट, ये एक बेस्ट सोर्स है एंटीऑक्सीडेंट का। इसमें फुल ऑफ न्यूट्रिशन है इंक्लूडिंग योर प्रोटीन। और इसमें हिमालयन पिंक सोल्ट है जो आपको हाइड्रेशन देता है आपके वर्कआउट के बाद। और इसमें फ्लैक्स सीड भी है, ये एक फैटी एसिड है जो आपकी बॉडी की ओमेगा 3 की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। आपको ये अपनी डाइट में ऐड जरूर करना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरा करना बहुत मुश्किल है हमारी डेली डाइट को देखते हुए। और ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर एक स्कूप में आपको 25 ग्राम प्रोटीन प्रोवाइड कराता है, जिससे आपकी बॉडी का न्यूट्रिशनल गैप पूरा होता है एंड आपकी ओवरऑल हेल्थ भी अच्छी रहती है। ये टेस्ट में भी काफी अच्छा है, क्योंकि ये चॉकलेट फ्लेवर में है तो आपको भी अच्छा लगेगा इसको पीने में। आप इस प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर का एक स्कूप कोल्ड वाटर में मिक्स करके शेकर की हेल्प से अच्छे से शेक करके कंज्यूम कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसका एक स्कूप अपने ब्रेकफास्ट बाउल या योगर्ट में मिक्स करके कंज्यूम कर सकते हो। आप भी इसको ट्राई कर सकते हो। ये 100% वेगन है, ग्लूटेन फ्री, सोय फ्री, डेयरी फ्री और शुगर फ्री भी है। ये FSSAI, ISO एंड GMP सर्टिफाइड है, और इनके प्रोडक्ट्स में कोई हार्मफुल फिलर्स, बाइंडर्स या फ्लेवर्स नहीं है। अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हो शर्मा फैमिली 20, तो आपको 20% ऑफ मिलेगा इनकी वेबसाइट buywow.in पर। आप भी अपनी हेल्थी लाइफस्टाइल स्टार्ट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है अगर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए तो। बी वाओ नेचुरली। गेट पे ही खड़े हो चलो चलो चलो, चाबी तो ले, चाबी तो ले आओ। ये ले लिया हमने हबीबी की चाबी, और अब हम निकल रहे हैं टास्क पूरा करने के लिए। आ जाओ मम्मी आ जाओ, मैं लिफ्ट बुला रहा हूँ। ये लिफ्ट हमारी यार पता ना कितने कितने सालों पुरानी है, आ गई ना देवे।
11 पे, पर अब तो आ जाएगी, वरना अगर चलती रहे ना तो ये लिफ्ट आवे ना जल्दी से ना मम्मी। मास्क की जरूरत ना ना। अरे मम्मी मास्क किसने, कौन से मास्क, हम बीमारी के लग जाएंगे, बीमारी हमारे क्या लगेगी बताओ। आज तो आ गई मम्मी टाइम पे। तो गाइस मैं तुम्हें अभी अपनी सोसाइटी भी घुमाता हूँ, सोसाइटी के बीचों बीच जाएंगे क्योंकि मैंने ऊपर गाड़ी खड़ी कर रखी है, बेसमेंट में है, ऊपर ही कर रखी है, तो सोसाइटी भी दिखाता हूँ ना मैं यार। मम्मी आपके व्लॉग में होना चाहिए कि मां आंटी कहाँ रह रही है ये पूछते हैं लोग। बड़ी जल्दी लग रही है आपको गाड़ी चलाने की, खींचो खींच हो रहे हो, बड़ी मुश्किल पता नहीं तुमने भाव बढ़ा हुआ है तो सच में ही बहुत ज्यादा। भाव की क्या बात है इसमें, हम यहाँ तक कहाँ जा रहे हो, पार्क में थे, कौन से कहाँ खड़ी कर रखी है, मैंने कर रखी आगे उस वाले में 10 पे। यार हमारे यहाँ ना पार्किंग का बड़ा लफड़ा रहा है, जिसपे नु लिख रहा है ना आर का मतलब तुम्हारी पार्किंग, तो मैं आर ढूंढता हूँ, जहाँ भी आर लिखा और मिल जावे वो अपनी पार्किंग हो जाती है। नहीं मम्मी अंदर ठंड थी ना, इतनी ठंड है तो अपना घूमन फिरन आए करो, अभी धूप निकल रही है ना, कई दिनों बाद निकले मेरे हिसाब से, आज कहाँ धूप निकल रही है, मौसम बढ़िया हो रहा है ना, मतलब यार मम्मी जब मैं रात में मतलब सुबह उठूँ ना सो के, तो जो वो कंबल वम्बल में जो गर्माहट सी बनी रहा है, ऐसा मन कर रहा है सोता रहा हूँ उसमें, पर आप उठा दो यार, मम्मी उठा दे यार। 2 बजे उठे तू, सुनी तो 2 बजे क्यों उठाओ मुझे, 3-4 बजे उठाए करो, 3 बजे उठाए करो मुझे, सारी रात जागरण करो तुम। यार रात ने मैंने गेमिंग का कर रखा है ना, उसके उस समय सो ना पाऊँ, पर चलो तुम अब जल्दी से जाके, सोने का टाइम हो रहा था, मुझको चलो एक बार गाड़ी देख के आऊं, फिर चलवा देते हैं। तो जाती नहीं, चलो गाइस हबीबी के पास पहुंच के फिर तुम्हें हबीबी से मिलवाता हूं मैं, ठीक है। ये खड़ी है हमारी हबीबी, मम्मी ये लो चलाओ, हाँ यो रास्ता पर जान दो जहाँ जा रहा है, आप गाड़ी चलाओ लो। अच्छा यहाँ तो ही गाड़ी चलाओ। अरे मम्मी चलाओ यार, चल पागल ना, अरे चलाओ यार, अरे ठुकेगी ठुक जाएगी कोई बात नहीं, ज्यादा जिद ना करे, कर जल्दी लिया चलाओ ना यार, मैं कैमरा पकड़ लूंगी, ना चलो मैं मोड़ रहा हूँ, आइए इस साइड आ जाओ तो मम्मी भी घूम के आएगी पूरी तरफ से, यहाँ तो मैं ठोक ठाक दूंगी कहीं। तो आप ऐसे घूम के क्यों आए हो मम्मी, आप यहाँ खड़े थे ना, तो आप पैसे भी आ सकते, तो पैसे पीछे तो घूम कर, ज्यादा सवाल जवाब तो करे मत, करने चल, जो हो गया वो हो गया, चल मैं तो मास्टर बना रहा है एक दिन के लिए, चलो तो भाई चलो। मम्मी ने तो कैमरा तो कह था यहीं तो चला लेते, मैं ना वो आवे ना तो सिखाने वाली कार वाले, हां उन तो सीख लूंगा नहीं ना, मम्मी वे तो डर बैठा दे अंदर, हां तो डर बैठा दे, तो तू सिखा दे डंटे, हां तो मैं सिखाता रहूं आज, छिड़वा के जब ही छोड़ दे बीच, आज मम्मी तक पूरी की पूरी गाड़ी चलानी सिखा दूंगा बस। मम्मी आप अकेले चलाओगे, ऐसे नू कहोगे मैं तो उतर जा रहे हो, उतर जा, चल कोई ना, लगाए करो, लगाओ तो काम करवाए करो, ठीक है, आड़ मत लगाए करो, समझ गया, मनीष से कह रहा हूँ मैं ये बात, ठीक है। मनीष की तो ऐसी है, जब उस दिन तो कह दी बोले चलवा देंगे मम्मी, आ रहा फिर बस आप तो चलवाओ ना, वो तो हम चलवाएंगे मम्मी, क्यों टेंशन ले रहे हो, तेरे ऊपर तो है ही, मैंने घमंड की भाई तू करवाएगा काम, हाँ देखा मम्मी सबसे ज्यादा प्यार करती है मुझे, है ना मम्मी, प्यार तो दोनों तो ही करूं सबसे ज्यादा क्यों मतलब चलो तो मैं सोसाइटी से बाहर निकलता हूं और तुम्हें दिखाता हूं कि मम्मी की ड्राइविंग कैसी है, मम्मी टास्क में पास होती है या फेल होती है, ठीक है मम्मी, पास हो गया फेल हो गया, कोशिश तो पास करने की करूंगी मैं तो, ठीक है ये हुई ना बात। मम्मी आप पहली बार में चला लो, क्योंकि आपने थोड़ी बहुत तो आवा है, क्योंकि आपने चला ही ओड़ा है, थोड़ी बहुत तो चला ही ओड़ी है, पर देखने दो ना मम्मी, कहीं छोरा देख रहा, मैं चुप हो गया एकदम, है ना चुप क्यों हो गए, शर्मा जाओगे आप ना, फिर यार कैमरे को फेस करना सीखो यार, कैमरे को क्यों फेस करना तो भाई मम्मी ये है रोड, ठीक है, यहाँ कोई नहीं है दूर दूर तक, यहाँ कोई नहीं, ठीक है, आपकी पसंद का रोड हो गया, ठीक है तो आप आ जाओ, अब ये आपके हवाले कर रहे हैं हम सीट को नहीं हबीबी को, तो चश्मा रख के तो दिखेगा आपने साहब, अच्छा फिर ठीक है, मैं का चश्मा भी रख दिया मम्मी, तो हमारे तो दर्दक होगी थी एकदम, दूर करना है तो चश्मा, अच्छा ठीक है तो आ जाओ, मम्मी नु कह रही है तो खुली ना रही, चलेगी तो जा आ जाओ, बेस्ट ऑफ लक मॉम मैं चाहता हूँ कि आप एक बार में ही चला ले इसको, चलाई तो थी मैंने उस दिन, हाँ तो चलो कोई ना, देखते भगाना भाई, भगाना मत, बस
ओ मम्मी ने बेल्ट लगा ली है। मतलब लग रहा है मम्मी ने कि कुछ गड़बड़ हो सकती है। फिर यार मम्मी हम बैठे आपके साथ, गड़बड़ कैसे हो जाएगी बताओ। प्यार तो बची है, बताइए सारी चीज कभी। ना ना बढ़िया आराम से प्यार। अभी आपको बस सिर्फ पैर पहुंच रहे ढंग से। जय हो। मम्मी हुक्का का आग जोड़ रही है। काट रुका रखा नु करी। चलो तो मम्मी अब आपने क्या करना है? कुछ ना करना बस। तो तीन है भाई। हाँ ये तो तीन है, ये जो लेफ्ट में है ना ये सबसे। हाँ यो वाला यो क्लिच, बीच वाला ब्रेक, और वो सबसे लास्ट में रेस। ठीक है वो रेस रेस ब्रेक और क्लिच। क्लिच हाँ। जो क्लिच है, क्लिच को आप बस एक ही पैर से हैंडल करोगे। लेफ्ट वाला पैर आपका क्लिच का ही काम करेगा, और जो राइट वाले वो रेस और ब्रेक, ये दोनों। हाँ अगर आप लेफ्ट से ब्रेक मारोगे या कुछ करोगे तो वो गड़बड़ हो जाएगी बहुत कैडी। लेफ्ट वाला पैर सिर्फ और सिर्फ क्लिच के लिए। हाँ दबाओ। अब तने स्टार्ट ही छोड़ रखी। क्लिच दबाते स्टार्ट हो जाएगी ऑटोमेटिक, ले रखी मैंने। दबाओ फुल, ऐसा ना दब रही। हाँ भाई रे ये तो बड़ी टाइट है, मेरे तो पैर ही ना जाएगा। मम्मी ने गाड़ी स्टार्ट करी और रेस दे रही है, कह रही चल क्यों ना रही हो। अभी गियर भी लगेंगे मम्मी, गियर भी लगेंगे। पहले क्लिच बीचो, ठीक है क्लिच पूरी बीचे रखो। ठीक है अब गियर लगाओ। फर्स्ट फर्स्ट ये यहाँ ऐसे पकड़ो इसको, और इसको ऐसे करके और ऐसे। हाँ ये पहला गियर लग चुका है। अभी आपको कुछ नहीं करना, अब आपको सिर्फ क्लिच छोड़नी है। रेस पे तो पैर हटा लो। गाइस गाड़ी चलेगी या एकदम झटका लेके एकदम बंद होगी। हाँ रेस पे आपको रेस नहीं देनी, क्लिच पे था हड़का हड़का पैर छोड़ो। इसने छोड़ो। चलो 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 क्लिच छोड़ो। छोड़ तो रही हूँ। हाँ छोड़ो छोड़ो। ये मम्मी आप तो पहली बार में ही। मम्मी ने गाड़ी बंद ना करी। वाह मम्मी मान गया आपको, मान गया। चलो रोड पे है, यो पूरा का पूरा खाली रोड है। ठीक है तो बढ़िया उससे चला। वो साइड में शीशे भी है, वहां भी देखनी है आपने। देखो कहाँ ले जा रहे हो आप रोड के। मैंने रोड के बीच में लेके खड़ी करी थी। हाँ पीछे गाड़ी आ रही है, पीछे भी गाड़ी आ रही है देख के। हाँ आप अपनी एक साइड रखो बस, वो आपके राइट साइड से निकल रही है, निकल जाने दो उसको। अगर आप ऐसे चलती गाड़ी में नू देखोगे यो रेस यो ब्रेक तो हो जाएगा इतनी देर में तो काम। देख तू अरे कंफ्यूज मत कर, देख थोड़ी देर चलान तो दे, डर सा कुलन दे। चलो एकदम तक तन बेरे बैठते ही बंदा कैसे चला लेगा। चलो तो अब एक काम करो, दूसरा गियर लगाओ। दूसरा गियर क्लिच पूरी बीचो, ब्रेक नहीं क्लिच, क्लिच गाड़ी चलती रहने दो। हाँ अब सीधा यहाँ इस पर रखो गियर पे हाथ, और इसको यहीं से ऐसे पकड़ के दूसरा। अब चलो छोड़ दो। अब जैसे पहले फर्स्ट उसमें छोड़ी थी ना, ऐसे क्लिच छोड़ो। थोड़ा सा रेस देगा, थोड़ी सी रेस देगा। हाँ हाँ ओ बंद नहीं करी मम्मी ने दोबारा। भाई बाय वाह मम्मी मान गए आपको, मान गए। मम्मी आप ना आवे यार, आप क्यों पागल बना रहे हो हमें। ना बेटा बना है ना, आती तो इतनी डरती थोड़ी ना। देखना ये हमारे बुजुर्ग आदमी जा रहे हैं कोई आगे से, तो थोड़ा सा हिसाब किताब से चलाना। मेरा आगे बुजुर्ग जरूर होगा। हाँ आप मम्मी जब BMW सीख रही थी जब भी आ रहे थे ना मम्मी। मम्मी आपने बस इस लाइन में रखना है। ओ शिट यार गोबर पड़ा था, गोबर पे टायर गया। अगर ये थोड़ी सी तेज चलाएंगे ना मम्मी तो यहाँ तक छींट आएगी गोबर की। पर कोई बात ना, आप अपने ये जो दो लाइन बन रही है ना इनके बीच में रखना। लेफ्ट में जा रही है आपकी गाड़ी। चलो 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 भाई रे, ये तो मुश्किल है। BMW तो कती आसान थी। क्या है मुश्किल को बताओ, आप बताओ क्या है मुश्किल को। वो स्टेयरिंग बस गियर लगाने आपने एक्स्ट्रा। तो ये गियर ही देखना, मेरे तो याद ही ना रहेंगे ये गियर। हाँ तो अपने साइड में देखते रहना, कभी वहाँ तक कोई भटाका बोल जाए एकदम। अब साइड में देखो या आगे देखो, ये गियर थारे याद करूं। तो अब आ चुका है मम्मी का टास्क टू। ठीक है ये यहाँ कट है और मम्मी यहाँ घुमा रही है। ठीक है घुमानी है मम्मी ने गाड़ी, काटनी है आराम से। गाड़ी आ रही मम्मी कोई? हाँ काटो काटो आराम से आराम से, ज्यादा फिर उस साइड भगेगी एकदम। हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ओ मम्मी मम्मी पास, ये मम्मी पास है भाई पास। पूरी सीधी करो गाड़िया, बस बस बस, इस साइड रख लो, इस साइड रख लो। गाड़ी वाला है, गाड़ी वाला निकल जाएगा। हाँ
यस ठीक है। अब अपनी अपनी लाइन में ले लो बीच वाली। ये गाइस ये जो बीच वाली लाइन है ये हमने खरीद ली, हम ये इसमें गाड़ी बस हमारी चलेगी और किसी की नहीं चलेगी, ठीक है। मम्मी रोड के बीचों बीच चलाओ आप, फुल बदमाशी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे हमारी मौसी है, मेरे मौसा और मौसी आ रही वहां पे राजस्थान साइड थे, राजस्थान तारे, तो मेरे मौसा ने क्या करा ठेका आगा, ठेके का आगा ऐसा कर दी नू करके, तो मेरी मौसी साथ साथ नू कर रही जय माता दी। मैं मौसा कह रहा तू राणा क्यों कर रही है नू, करी तुमने भी तो करी थी, वो मैंने तो ठेके के सामने करी थी। देखा गाइस देखा आपने, मैंने पिछली वीडियो में बताई मैं मम्मी एक बार बस घर से निकल ले फिर तो गुड़गांव चलो आप हाईवे पे चलाओ मम्मी देखी जाएगी। अरे मम्मी चलाओ यार हाईवे पे मैं नहीं चलाऊं। अरे मम्मी हाईवे पे चलाओ यार कोई दिक्कत ना, मैं बैठा था उस साइड में बेशक बैठा है अपना बस की ना भाई। अरे मैं अपना हैंड ब्रेक खींच दूंगा सुन बताऊं। हां उसने BMW ने फिर भी ले जाऊं बीच में, लेकिन ये ना चलेगी बेटा मेरे पे। तो यार मम्मी ऐसा थोड़ी होता है, ना ना भैया अब तो चलानी भाई, तो दो चार बार चलवानी पड़ेगी जब बेशक नहीं वैसे ना चले मेरे पे। ओहो दो चार बार, अभी टाइम कितना हुआ है ये आपको? आज एक काम करूं गुड़गांव में वो खुआ कर लाऊं आपके मन पसंद जो डोसा है, हैं अभी पड़ गया होंगे डोसा। ओह चालू होगा अच्छा चलो गाइस। मम्मी यार ना दो तीन दिन पहले कह भी रहे थे आप, अब तो मैं सोच रहा हूँ की मम्मी मम्मी के पसंद का डोसा है। मम्मी अब कुछ ना आप क्लिच बीचो और ब्रेक मारो पूरी, ऐसा थोड़ी देखोगे क्लिच बीचो पूरी, अब ब्रेक दबाओ। ओ ये हुई बात, ठीक है तो मम्मी ने चला लिया गाड़ी, अभी मैं थोड़ी और चलवाऊंगा वैसे, लेकिन उसके बाद मैं मम्मी ने लेके जाऊंगा डोसा खिलाने, ठीक है। चलोगे थोड़ी देर और चलाऊंगी? हाँ हाँ थोड़ी देर और चलवा रहा हूँ यार, थोड़ी देर और चलवाऊंगा मम्मी तो सिखा दूंगा, लेकिन डोसा खाने जा रहे हैं अभी फिलहाल हम। मम्मी फिलहाल चला अभी, भूख सी लग रही है मुझे, कर लेंगे थोड़ा बहुत ड्राइविंग ना। चलो तो मम्मी छोड़ दो अभी, छोड़ दो मम्मी, अब कितने दिन में सीख जाओगे? छोड़ दो छोड़ दो तो कोई दिक्कत ना, सिखाओगा तो सीख ही जाऊंगी। कितने दिन में? कितने महीने में तू हाथ में? अब छोड़ दो हां, कदे पूरी ना दबी और छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। हां चल रही है, न्यूट्रल कर दी मैंने, कर दी हां न्यूट्रल कर दी मैंने। फिलहाल मैं अपना फोन भूल आया था घर पे, तो मैं अभी फिलहाल जा रहा हूं अपना फोन लेने के लिए, उसके बाद जाएंगे हम। मम्मी क्या देख रहे हो? कॉपीराइट आ जाएगा। ओहो मम्मी अपनी सहेली, मम्मी टाइम अपना 2 मिनट के लिए भी टाइम खराब नहीं करती, उसमें भी कुछ ना कुछ काम करती है कि अब देखो मैं फोन लेना आया हूँ, अपना फोन लिया अपनी सहेलियों की वीडियो देख रही है। अरे वाह मम्मी वाह, मेरी सहेली भाई आ रही है वहाँ कहाँ? अच्छा हाँ मम्मी की जो फ्रेंड थी वे वहाँ गई थी गंगा जी नहाने वाने के लिए, हमारी मम्मी ना गई, मैंने ना जाना, मैं मम्मी आपकी तबीयत खराब हो जाओ रहने दो, नहीं जाना नहीं जाना मम्मी आपको नहीं जाना। जाडा वैसी हो रहा है, कहाँ जाओगे यार इतने ठंड में? नहीं वैसे मम्मी बान माने ना मेरी बात एक भी, बेशक मैं मना कर दूं या हां कर दूं, जाना है जाना है तो जाना है, ना जाना है तो ना जाना, है ना मम्मी? सही है ऐसे ही रहना है, तेरी बात मानती रहूं बस। ना 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 मेरी बात नहीं माननी, मैं एक बार फोन ले आता हूँ, एक सेकंड आप यहीं बैठो ठीक है। अभी मैं वहां से देख रहा था आपको, तो आप ऐसे फोन को ऐसे कर रहे थे ऐसे, भगवान जी के फोटो हाँ देख लिए मैंने, हाँ ये तुम भी ऐसे कर लो गाइस, ऐसे फोन कैसे करो ऐसे ऐसा करो, मैंने भी कर लिया फोन यार। हमारे यहाँ का जो ये राउंड है ना, ये राउंड कम से कम मम्मी 2 किलोमीटर का है ना, सोसाइटी में ऐसा घूम के जाना पड़ा है बहुत लंबा, यो बस यो गड़बड़ है और तो सब कुछ ठीक है ना मम्मी? मम्मी ने तो गाड़ी वाड़ी चलानी ना, मम्मी जब आप गाड़ी चलाना सीख जाओगे तो आप जाए करोगे ना ऐसा घूम के, तो आपने भी दिमाग खराब हो करेगा आपका भी। क्यों? और यार देखना कितना, अभी देखो आप कितना लंबा काटेंगे हम चक्कर, अगर वहीं की वहीं कुछ एग्जिट ऐसा होना चाहिए सोसाइटी में कि जहाँ आपकी गाड़ी खड़ी है वहीं से एग्जिट निकल रहा हो, जब तो है मजा। तो फाइनली अब हम सोसाइटी से बाहर निकल चुके हैं। मम्मी गौ माता वो रोटी ना लेकर आई? दे दी, दे दी। ओके पर मम्मी वो देवे ना कहीं पर गाड़ी में रखी रहे, गाड़ी में ना आया वो पैदल देना आया था, यो काम सही मम्मी, हम तो जब भी आप गाड़ी वो दो ना मतलब गाय माता की रोटी दो तो हमें पैदल ही भेजे करो, हाँ जरूरी तो थी, आप जब भी जरूरी तो डेली रहे, आप डेली हमें पैदल भेजे करो क्योंकि हम जाएंगे सीधे गाय तो रोटी देंगे और आ जाएंगे,
अगर वो गाड़ी में रखी रहेगी तो फिर हमारा दिमाग तो तर जाएगा। क्या भाई कैमरा किससे ऑन करा आपने? मैंने कैमरा इसलिए ऑन करा है जैसे तू चला रहा है ना एक दिन ऐसे गाड़ी मैंने रोड पर चलानी है, यो देख। आज मैं तो आज की कह रहा हूँ, मैं तब कह रहा हूँ चला लो ना भाई, अब तो ना चले मेरे पे, कह रहा हूँ तो। अच्छा इतनी जल्दी तू तो नहीं जाना, बस मम्मी का ड्राइवर। अरे तो मम्मी हम बैठ जाएंगे साइड में, हम साइड में तो बैठ जाएंगे। विश्वास रखो, हम मुझ पर विश्वास रखो, मेरे पे विश्वास है बेटा। पीछे तो आगे तो कोई गाड़ी लिया एकदम तेज लिया कोई कर दे इधर उधर, दिक्कत होती है यार, समझे करो। मम्मी यो वाला जो फ्लाईओवर है यो गिर गया था गाइज, यो फ्लाईओवर गिर गया था नीचे, मतलब कि पूरा का पूरा हिस्सा वहाँ का बड़ा आगदोनी हुई। लेकिन लेकिन अच्छी बात ये हुई, ना तो उस फ्लाईओवर के नीचे कोई बंदा था, ना कोई गाड़ी थी, ना कोई मोटरसाइकिल, ना कोई पशु वशु जो भी है ये ना था। रात में गिरा था ना? रात में गिर गया, ऊपर तो बड़ा आगदोनी हुई भाई। अगर बाय चांस कोई होता तो मम्मी छोटा मोटा ना 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 पूरा एक यहाँ तक, एक इस पिल्लर तक लेके और दूसरे पिल्लर तक इतना पूरा का पूरा बीच में तक गिरा। अगर कोई होता ना मम्मी उस पिल्लर के नीचे दब जाता बिल्कुल। बहुत बहुत भारी है इसमें, बहुत भारी। तो भाई मैं तो उस दिन के बाद गाड़ी भी ना खड़ी करूं इनके नीचे, मैं तो अपने मम्मी अलग रखूं। मैं कह दूं, मैं 600 रुपए का 800 रुपए का चलान कटेगा, रोड पे खड़ी करके चला जाऊं, लेकिन मैं इनके नीचे ना करता भाई। एक जाम यार, इस जाम ने खा रखे, हम क्या करें मम्मी, हम यहाँ रहना छोड़ दे क्या, मुंबई चले क्या? मुंबई में भी जाम है ना, मुंबई में इससे भी ज्यादा जाम है, तो क्या करा जाए, कहाँ जाम है? हमारी तो किस्मत खराब है, हम इतने दूर आए और मम्मी जी का फेवरेट डोसा नहीं मिला गाइस, क्योंकि उसकी दुकान बंद है। तो देखने ना दिया वहाँ। अरे यार वो मुझे पता चली है कि वो अब 4-5 बजे दुकान खुलती है वो, लेकिन कोई बात नहीं मम्मी खाएंगे जरूर, क्योंकि भूख लग रही है, तो कुछ और किसी और दुकान पर चलते ठीक है। भटूरे खा ले, जरूरी थोड़ी डोसे। अरे नहीं जरूरी नहीं है, कुछ भी हो तो वहाँ जाकर देखेंगे, कुछ बढ़िया चीज मिलेगी तो खा लेंगे। यहाँ तो नुआ की अच्छे बनाए करते, तो मैं कहा यार वहाँ चलते हैं, वहाँ खा आते हैं थोड़ी देर। नहीं चलो, मम्मी का उदास हो गया मूड, दिमाग खराब हो गया, उसने दुकान नहीं खोली। ऐसा कुछ नहीं है, मूड खराब, फिर आ जाओ हम किसी दिन। हाँ फिर आ जाएंगे गाइस यहाँ, लेकिन अभी फिलहाल कहीं और चलते हैं खाने के लिए, यहाँ हमारा सिस्टम नहीं बन पाया। मम्मी वैसे हो सके हम 4 बजे फिर आ जाएं, थोड़ा जल्दी आ गए हम, 2-3 घंटे जल्दी आ गए, 2 घंटे अब हम यहाँ घूम तो सकते नहीं है। दोबारा चक्कर ना काटते, रहने दे, फिर कभी आ जाएंगे। फिर चलो फिर कभी दिखा देंगे हम तुम्हें दोबारा, दूसरी वीडियो में दिखा देंगे। तो अभी हम कहीं और जा रहे हैं खाने पीने के लिए, वो जगह दिखाता हूँ। मम्मी एक रास्ता तो आगे तो घूम कर आने का, एक है यहाँ से निकलने का, बताओ। ये दीवार भी काट दी है। कौन सी दीवार? देख लो बताओ, ऐसा आगे तो घूम के जाओगे? अरे यार मम्मी मुझे लगा कि यहीं तो निकल लेते हैं, क्यों चले इतना लंबा? पागल है क्या तू, चलान के बड़े चोर हो तुम। यार मम्मी अब आदत ना रही ना, अब ऐसे रह जैसे गाड़ी में घर में तो निकले सीधे, लिफ्ट तो नीचे, लिफ्ट तो नीचे गाड़ी खड़ी है, मार जा सेल्फ और अपना निकल लिए ना? चलना सीख ले थोड़ा बहुत, सही है। ऐसे कि क्या खाना है आपको? हमें तो क्या खाना है बताओ, छोले या डोसा ही ले लेंगे। कुछ अच्छा सा, कुछ अलग टाइप का जो नहीं खाया वो ट्राई करते हैं ना आज यहाँ पर, यहाँ तो यही मिले मम्मी है ना, छोले भटूरे ये कुलचे रसमलाई यही चीज रहेगी यहाँ इंडिया में। मेरा मन नहीं कर रहा, मैं कहीं बाहर देश जाना चाह रहा हूँ। और तेरा तो क्या है कहने का, अभी जा तू। मैं कहीं बाहर देश जाना चाह रहा हूँ गाइस, कोई बाहर देश से कोई वीडियो देख रहा हो तो यार मुझे बुला लो प्लीज यार। डोसा ही ले ले, मम्मी के फुल मन में आज डोसा खाने की बात ना है, जब एक चीज का मन बन रहा है तो बन ही रहे। भाई एक वो कर दो डोसा, मसाला डोसा। डोसा कौन कौन से अपने पास? ये सब पे कुछ वो कर दो, ओनियन रवा ना यार, पनीर डोसा कर दो ठीक है, एक छोले भटूरे कर दो, एक पाव भाजी कर दो। एक पाव भाजी हो गया सर। हाँ और मसाला डोसा पेमेंट 567। मम्मी पाव भाजी आ रही है अभी, ऑर्डर कर रखी है। पाव लिखी बेटा, अरे आप मत खाना, मैं खा लूँगा, मैं निपटा दूँगा कोई दिक्कत बात। मम्मी डाइट पता मेरी कितनी है? जो चीज दुकानों पे है ना ये होटल पोटल में आए होते हैं, ये तो बस लाइट चमका कुमामा की है। पर मम्मी एक चीज बताऊँ, ये तेल वेल अच्छा यूज कर रहे हैं, बेनुई कर रहे हैं कुछ भी पर आजकल तो सब कुछ बटर में बन रहा है, तो ऐसा कुछ ना है। पर चलो खा के बात करता हूँ, तुम्हें भी खाना है खा लो, आ जाओ खा लो। ये लीजिए मम्मी जी आपकी पाव भाजी भी आ चुकी है। टेस्ट ना आएगा मज़ा कते भी, पर मम्मी
मम्मी स्वाद आओ या मत आओ मम्मी खाएंगी तो पैसे वेस्ट करने जाएंगे पैसा वेस्ट जाएंगे इसलिए खा के जाना पड़ेगा। तो मैं आपका वो साथ दे देता हूँ इस चीज़ को ख़त्म करने में, ठीक है? खत्म मम्मी, आ जाओ। मम्मी का बहुत स्वाद दिया मैंने खाने में। मम्मी तो बस डोसा डोसा खाया ना, वो क्या खाया आपने? हाँ, छोले भटूरे भटूरे खाए और सारा सब कुछ मैंने खाया है। फिर मम्मी ने कहा यार तू मोटा हो रहा है मम्मी, फिर आपने कहो कि तू मोटा हो रहा है। अब आपने तीन चीज़ ऑर्डर कर दी, आई आपने एक, दो मैंने खाई है। मैं एक भटूरा खागा और दोनों भी खागा, देख रहे हो खुराक देख रहे हो मेरी आप हैं। थैंक यू। मोनू थोड़ा मोटा हो रहा है, है ना? मोनू हो रहा है ना, मैं कमज़ोर हो रहा हूँ ना, देखा मैं कमज़ोर हो रहा हूँ, मोनू थोड़ा मोटा है। तो उससे कहो कि तू जिम विम जाएगा, मैं तो कह करो कि भाई खाओ दबा के खाओ, कोई दिक्कत। हाँ तो मैं तो कह करो भाई दबा के खाओ, कोई दिक्कत ना है, हम ले आते हैं आपके लिए, ऐसा बोला करो मुझे। तो मम्मी मुझे टाइम बता दो कि भाई इस टाइम मैं फ्री रहती हूँ, इस टाइम मुझे गाड़ी सिखा देगा। मैं सारा दिन फ्री हूँ, जब जी करे तेरा काम खत्म हो जाए जब बता दिया कर, मैं गाड़ी सीख लूँगी। अरे मम्मी फिर भी एक टाइम फिक्स कर लो ना कि भाई इस टाइम हम गाड़ी चलाएं। बेटा मैं टाइम कर लूँ 12 बजे का, तू सुते भी ना उठे फिर मैं, मम्मी अब टाइम निकल गया फिर मैं इतनी पागल थोड़ी हूं मम्मी। चलो तो मैं आपके कहने पे मैं जब तू 6 बजे सुबह उठूंगा, 6 बजे दौड़ मारूंगा, उसके बाद आके मैं फिर सो जाऊंगा, फिर उठूंगा, फिर आप तक गाड़ी देगा, ठीक है? पक्का। तो कितने दिन में आप मतलब इन्हें दिखा दोगे कि हाँ भाई मैं गाड़ी चला रही हूँ, देखो भाई हम सिखाओगा जब ही, तो मैं दिन गिन के बैठा दूँ, ऐसा ना कम से कम 15 दिन है, ठीक है? 15 दिन में सिखा सीख लोगे, ठीक है गाइस। 15 दिन में मम्मी जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ ना स्कॉर्पियो पे, ऐसा अकेली कैमरा पकड़ के रेस्ट करेंगी। हेलो बच्चों कैसे हो आप सब? क्यों 15 दिन में ऐसे कैसे कर दूंगी? अरे मम्मी कर दे सिखाने की, तो है नहीं तो मैं सीख तो जल्दी जाऊं, तुम सिखाने वाले भी तो बनो। सिखा देंगे मम्मी, आप तो कह दी तो सिखा देंगे, ठीक है ना? अब कोई दिक्कत वाली बात ना है। तो थैंक यू सो मच गाइस, जिसने भी यहां तक वीडियो देख लिया है, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर देना इस वीडियो को, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। सब्सक्राइब करना बच्चे, ये तो हाँ सब्सक्राइब भी कर दो इस चैनल को जल्दी जल्दी, कितने हमारे 60, जल्दी से 100 के कंप्लीट करवाओ यार, 1,00,000 सब्सक्राइबर तो होने चाहिए मम्मी के चैनल पे। हाँ, नहीं मम्मी करवा देंगे। तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जल्दी से जाओ और कर दो, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। La la la.